आपकी सेवेंटीन थाउजेंड रुपीज की यह साउंड बार, बार वर्थ है कि नहीं हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वी वन मेरा नाम है विनीत लेट्स कट द स्टोरी शॉर्ट और मैं आपको आज ऐसा रिव्यू दिखाऊंगा जो आपने पूरे यूट्यूब पे इस साउंड बार का देखा ही नहीं होगा दोस्तों ये जेब्रॉनिक्स की तरफ से भेजा हुआ रिव्यू यूनिट नहीं है इसे मैंने खुद खरीदा है लॉन्च होने के एक या दो दिन बाद और जैसे ही यह साउंड बार मेरे पास आई मैंने इससे एक सॉन्ग को रिकॉर्ड किया बिना बर्न इन करे हुए उसके बाद इसे प्रॉपर बर्न इन किया और उसके बाद इससे चार सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया इन पांचों सॉन्ग्स को मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि बर्न इन करने से पहले और उसके बाद में कितना फर्क पड़ता है किसी भी साउंड बार या ऑडियो प्रोडक्ट में अगर आपको बर्न इन के बारे में थोड़ा सा भी जानना है तो आप बड़े सिंपल तरीके से अपने किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट को प्रॉपर बर्न इन कर सकते हैं सात से आठ घंटे या दस घंटे आपको अपनी साउंड बार को सेवेंटी परसेंट वॉल्यूम पे प्ले करना है किसी भी सॉन्ग को किसी भी साउंड ट्रैक को उससे स्पीकर्स पूरी तरह खुल जाएंगे और आपको रियल एबिलिटी या केपेबिलिटी पता चलेगी अपनी साउंड बार की यह होता है बर्न इन

ओके okay, क्योंकि आप साउंड बार के पास ही इस सबूफर को रखने वाले हैं वायरलेस सैटेलाइट्स को आप अपने रूम में पीछे रखेंगे जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ये अलग पावर दी जाती है इसमें और ये कंप्लीटली वायरलेस हैं। इसके साथ बहुत अच्छे से पेयर हो जाते हैं विदाउट एनी है टोटल आउटपुट इस साउंड बार का 5.1 साउंड बार का बनता है 525 हंड्रेड ट्वेंटी साउंड बार के अंदर आपको सभी टाइप के कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जैसे एच डी एम आई इनपुट यूएस बी और ऑक्स और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी विच इज अ गुड थिंग साउंड बार के साइड पे आपको बटन कंट्रोल्स मिलते हैं ये बटन टैक्टाइल हैं और इससे आप पावर ऑन ऑफ वॉल्यूम प्लस या माइनस और इनपुट ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं एक सैटेलाइट स्पीकर के पीछे आपको पावर सॉकेट भी मिलता है और दूसरे सैटेलाइट से कनेक्ट करने का सॉकेट भी मिलता है यह पेयरिंग बहुत इजीली होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया और साउंड बार और सबर के साथ ये सैटेलाइट्स बिना किसी हासिल के इजीली पेयर हो जाते हैं साउंड बार के टॉप पे आपको मेटल ग्रिल और पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है और वही सेम लुक सेटेलाइट स्पीकर पे भी कैरी फॉरवर्ड करी गई है जो की अच्छी लगती है वैसे लुक्स और सब्जेक्टिव आप भी जरूर बताइएगा कि आपको इस साउंड बार की लुक्स कैसी लगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको इस साउंड बार के साथ ये रिमोट कंट्रोल भी मिलता है फुल्ली फंक्शनल तो नहीं लेकिन इससे काफी हद तक आप काम कर पाएंगे लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से काफी चीप है की दूसरी साउंड के अंदर जो भी रिमोट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होती है बट दिस इज नॉट दैट गुड और साथ में ये एक एक्सेसरीज एक का थैला मिला था जिसे हमने खोला भी नहीं आपको इसमें यूजल एच केबल और थोड़े से स्टैंड मिलेंगे अगर आप इस साउंड बार को वॉल माउंट करना चाहते हैं तो एंड बुकलेट इफ यू वॉन्ट टू रीड दैट बहुत हो गई लुक्स और डिजाइन की बातें अब क्या साउंड टेस्ट सुने सुनते भी हैं और देखते भी हैं जरा देखिए और सुनिए ये जो ऑडियो टेस्ट आपने सुना और देखा इसके अलावा भी चार और सॉन्ग हमने इस साउंड बार से रिकॉर्ड करे थे और उन्हें अपलोड करके उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उसे उसे डाउनलोड करके एक्चुअल साउंड बार में से आने वाला म्यूजिक सुन सकते हैं जरूर सुनिएगा लेकिन आप पहले समझिए कि ये साउंड एक बार एक्चुअली में साउंड कैसा करती है इस साउंड बार के अंदर आपको 5.1 एक्चुअल साउंड बार बना के देने की कोशिश करी गई है यानी इस साउंड बार में ट्विटर नहीं दिए गए इसमें आपको सराउंड चैनल्स दिए गए हैं इसमें आपको दो फ्रंट चैनल्स मिलते हैं और एक सेंटर चैनल मिलता है जो जो कि आपके आपके वोकल्स की डिलीवरी करेगा, यानी मूवी के डायलॉग्स हैं वो इस सेंटर चैनल से निकलेंगे ज्यादातर और मैं एक्चुअल 5.1 पॉइंट वन चैनल साउंड बार बनाने की कोशिश वर्ड इसलिए यहां पे यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कोशिश बहुत हद तक सक्सेसफुल है जेबरॉनिक्स की तरफ से इसमें जो सराउंड चैनल्स चैनल्स यानी सैटेलाइट हैं, वो कमाल का काम कर रहे हैं और उनमें आपको जो फ्रीक्वेंसी रेंज की शुरुआत मिल रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली फाइव थाउजेंड यानी 5,000 से नीचे की फ्रीक्वेंसी ये सैटेलाइट चैनल प्ले नहीं कर रहे जिसकी एक्चुअली में जरूरत नहीं होती किसी भी प्रॉपर 5.1 में और उससे नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी ये तीन ड्राइवर्स और सब ऊपर प्ले कर रहा है विच इज वेरी वेरी गुड आपको उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी जब इन चैनल्स में से प्ले होती हुई दिखेगी यानी सुनाई देगी तो आपको एक्चुअल सराउंड इफेक्ट मिलेगा और ये सराउंड चैनल्स आपके ट्विटर का भी काम करेंगे दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस साउंड बार शायद आपको ये बात इतने अच्छे से समझ आई नहीं अब मैं आपको इसी बात को आसान शब्दों में समझाता हूं आपको जो मेरी आवाज आ रही है आप इसे अगर सराउंड में सुनेंगे तो आप क्या करेंगे आप अपने फोन को म्यूट कर देंगे या इस वीडियो को बंद कर देंगे इसलिए आपको वोकल्स की सराउंड नहीं चाहिए होती और वो होती है लोअर फ्रीक्वेंसी आपको उसमें सराउंड नहीं चाहिए आपको लो रेंज फ्रीक्वेंसी यानी बेस के अंदर भी सराउंड नहीं चाहिए आपको जो सराउंड चाहिए वो हायर फ्रीक्वेंसी में चाहिए वो ये सराउंड चैनल्स डिलीवर कर रहे हैं आपको सराउंड चाहिए उस मूवी सीन में जहां पे बहुत ज्यादा गोलियां चल रही हैं या ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है या प्लेन जा रहा है आपको ये सराउंड चैनल्स वो भी दे रहे हैं इसीलिए मैंने कहा कि ये कमाल कर रहे हैं क्योंकि 5000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जब ये सराउंड चैनल्स प्ले करते हैं और उनके साथ ये सिंक होती है साउंड बार मैजिक ऑफ दिस फाइव पॉइंट वन चैनल साउंड बार अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप में से 90% परसेंट लोग नहीं जानते होंगे आपको इस साउंड बार के सराउंड चैनल्स को प्लेस कैसे और कहां करना है अगर आपने इसे गलत प्लेस किया तो शायद आपको यह साउंड बार कभी भी पसंद नहीं आएगी और आपको ऑडियो डबल यानी रिपीट होती हुई लगेगी आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं जो वोकल्स बोल रहा हूं वो आप दो बार सुन रहे हैं यानी वॉइस रिपीट हो रही है एंड दैट इज नॉट गुड और वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप गलत जगह पे सराउंड चैनल्स को रखते हैं मैं मान लेता हूं कि आपने अपनी साउंड बार और सबवूफर को अपने टीवी के नीचे प्लेस किया तो इस साउंड बार के सैटेलाइट चैनल्स को आपने कहां प्लेस करना है जहां पे भी आप अपने रूम में बैठते हैं उससे दो फीट कम से कम पीछे और इयर्स को पॉइंट आउट करते हुए देन यू विल गेट द रियल सराउंड इफेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साउंड बार अब हम बात करते हैं सेपरेशन की और इस साउंड बार की ऑडियो क्वालिटी की आपको सेपरेशन इस साउंड बार से अच्छा मिलेगा और मैंने इसे सराउंड चैनल्स के बारे में बताते हुए ऑलरेडी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि 5000 से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये सराउंड चैनल्स बहुत शानदार तरीके से प्ले करते हैं एंड देन यू गेट सेपरेशन जिस भी ऑडियो में या फिर मूवी के अंदर सेपरेशन दी गई है आप नॉर्मल किसी सॉन्ग से सेपरेशन की उम्मीद करेंगे जिसमें सेपरेशन है ही नहीं देन सॉरी दिस साउंड बार कैन नॉट गिव दैट काइंड ऑफ सेपरेशन अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो यह साउंड बार बैलेंस्ड ऑडियो स्लाइटली बेस हेवी सिग्नेचर के साथ आती है यानी आपको बैलेंस्ड ऑडियो तो मिलेगी ही उसके साथ आपको थोड़ा जो सिग्नेचर है वो बेस हेवी सुनने को मिलेगा आपको इसके वोकल्स के अंदर भी थोड़ी सी बेस सुनाई देगी विच इज नॉट बैड एट ऑल साउंड मेलोडियस और उसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप इसे लो वॉल्यूम पे प्ले करते हैं लो वॉल्यूम पे जब आपको वोकल्स थोड़े से बेस हैवी मिलते हैं देन यू एंजॉय क्लासिकल म्यूजिक देन यू एंजॉय और आपको वो सॉन्ग्स अच्छे सुनाई देते हैं अगर वो बहुत थिन वोकल्स होंगे तो वो आपको उतने सुंदर या उतने अच्छे मेलोडियस सुनाई नहीं देंगे एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस साउंड बार एक और खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि लो वॉल्यूम पे आपके सराउंड चैनल्स वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका बार बार मैं आपको रीजन बता चुका हूं अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो फिर दोबारा सुनिए कि फाइव थाउजेंड से नीचे की फ्रीक्वेंसी आपके सराउंड चैनल प्ले नहीं करने वाले हैं एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड थिंग

और वो हैवी बेस ऑडियो सिग्नेचर बन जाएगा और अगर आप बेस को थोड़ा सा कम कर दें लेट्स से माइनस वन और माइनस टू और ट्रेबल को प्लस थ्री पे ले जाएंगे देन इट बिकम मोर लाइक फ्लैट ऑडियो व्हिच इज ट्रूली एटलीस्ट फॉर मी आप अपना बताइए कि आप किस टाइप का ऑडियो सिग्नेचर ज्यादा सुनना पसंद करते हैं और कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा एक और चीज जो आपको जबरॉनिस्ट की साउंड बार में देखने को मिलेगी वो है डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट जब आप इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ लगा के नेटफ्लिक्स या एमेजॉन प्राइम पे कोई भी कंटेंट को प्ले करेंगे तो आपको डॉल्बी ऑडियो की डिकोडिंग इस साउंड बार से देखने को मिलेगी विच इज अ गुड थिंग और आपको टीवी के साथ कनेक्शन में किसी टाइप का लैग भी देखने को नहीं मिलेगा एंड दैट इज वंडरफुल अब मैं आपको बताता हूं कि किसे ये साउंड बार खरीदनी चाहिए अगर आपके रूम में इन सैटेलाइट चैनल्स को उसी तरीके से प्लेस करने की जगह है जैसे मैंने इस वीडियो में समझाया तो आप इस साउंड बार को खरीदिए इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका प्राइस है रुपीस के आसपास प्लीज मेरे लिंक से खरीदिएगा इस चैनल की आपके प्राइस को चेंज करे बिना बहुत मदद होती है और उसी से हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद के आपके लिए लगातार टेस्टिंग करने के बाद ऐसा रिव्यू लेके आते हैं और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इस साउंड बार के के बारे बारे में 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 या किसी और चीज तो लिख दीजिए ना कमेंट सेक्शन लाइक बटन के जस्ट नीचे है वहां पे अपना सवाल लिखिए या फिर सोशल मीडिया पे आ जाइए और मुझे डीएम करिए और आपका जवाब आपको 48 एट आवर्स के अंदर मिलेगा ही मिलेगा और मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच